ये 0 पे सेट है और अभी देखना गए। हमें जैसे ही यहाँ से रिमोट ऑन करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाती है गाइस सिंपल तरीके से। और यहाँ पे फिर एक और बटन देखने को मिलता है, ये हमारा गियर का गाइस, जो कि ये गियर है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या बोला तूने? तो फाइनली गाइस आज जाके गाइस पूरी तरीके से कंप्लीट हुई हमारी मॉन्स्टर होममेड आर्ची कार गाइस। और गाइस अभी देखो गाइस इसका लुक, जैसे मैंने इसमें न्यू व्हील अपग्रेड किए गाइस, तो गाइस मैंने डबल व्हील लगा दी पीछे की साइड और आगे सिंगल व्हील है। और अभी देखो इनकी इसकी हाइट गाइस, हाइट भी काफ़ी है बढ़ चुकी है गाइस, रेनो एक्समैक्स के बराबर आ चुकी है लगभग। और गाइस अभी देखो रेमो एक्समैक्स में अगर मैं इसका कंपेरिजन कराऊँ तो देखो गाइस इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी दिखाई दे रही है गाइस। और रेमो एक्समैक्स के व्हील छोटे, इसके व्हील भी बड़े है गाइस साइज में। और अगर मैं बात करूँ इनके वेट की तो गाइस इसका वेट कंपेरिजन करके बता देता हूँ गाइस मैं आपको। तो सबसे पहले गाइस मैं इसे 0 पे सेट करता हूँ। अभी देखो 0 किलोग्राम पे सेट है। मैं यहाँ जैसे ही रेमो एक्समैक्स को उठाऊंगा गाइस अभी देखना, तभी देखो गाइस इसमें लगभग यही वेट है गाइस आरसी का। ये देखो इसमें वेट गई 1 किलो 190, यानी कि ओनली 1200 ग्राम वेट है इसमें आरसी कार में। इतनी हल्की पुल्की आरसी कार है, जबकि इसमें मैंने देखो गाइज मेटल की चेसी भी लगा रखी आगे की साइड भी, तब भी गाइज इसमें यही वेट है। लेकिन अभी इसमें बैटरी नहीं है गई। और अब बात करते हैं हमारे मॉन्स्टर आरसी कार की वेट की बात है, तो इसे भी एक बार मैं उठा के बता देता हूँ गाइज आपको। अभी मैं इसे फिर से 0 पे सेट करता हूँ गाइज, ये 0 पे सेट है और अभी देखना गाइज। ये देखो गाइज ऐसे एक हाथ से भी मुश्किल से उठता है गाइज। ये देखो ये है इसका वेट उसके मुकाबले, और अभी इसका वेट देखो गाइस 4 किलो 150 ग्राम गाइस, तो कितनी ज़्यादा हेवी है गाइस हमारी होममेड आरसी कार इसके मुकाबले। तो गाइस इसमें 3 गुना ज़्यादा वेट है, इसमें 3 गुना ज़्यादा वेट है उसके मुकाबले इसमें। तो गाइस अब इनकी हम करते थोड़ी बहुत टेस्टिंग इसकी, चला के दिखा देता हूँ गाइस, उसके बाद इसकी पावर टेस्ट भी करेंगे। इसे रखते पहले साइड में गाइस। अभी देखो गाइस कुछ इस प्रकार से ऑन होती है। सबसे पहले हम यहाँ से इसे थोड़ा सा प्रेस करते और थोड़ी सी आवाज़ आती है तो फिर ये ऑन हो जाती है। यहाँ से इस प्रकार से इसमें एक LED लाइट जल जाती है, जो कि इसकी स्पीड कंट्रोलर गए वो ऑन हो चुका है, यानी कि अभी चलने के लिए रेडी नहीं अभी तक। फिर हमें यहाँ पे एक और बटन देखने को मिलता है गाइस, उसे ऑन करने पर गाइस ये जो हमारी सर्किट है गाइस, ये जितने भी इसके नीचे ये सब स्टीयरिंग वगैरह और गियर वगैरह और ये मोटर स्पीड कंट्रोल वगैरह सब कुछ ऑन हो चुकी है। अभी हमें जैसे यहाँ से रिमोट ऑन करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाती है गाइस सिंपल तरीके से। और यहाँ पे फिर एक और बटन देखने को मिलता है, ये हमारा गियर का गाइस, जो कि ये गियर है। और अभी गाइस मैं यहाँ से जैसे थोड़ा सा थ्रोटल दबाऊँगा, अभी देखना गाइस ये देखो चल पड़ी गाइस। और ये स्टीयरिंग इसकी, और यहाँ से जैसे मैं इस वाले बटन को, ऊपर वाले बटन को प्रेस करूँगा, पीछे वाला गियर लग चुका है और अभी देखो पीछे आ चुका। कुछ इस प्रकार से चलती है गाइस ये। तो इस वीडियो में नई गाइस मिलती है अभी इसकी पावर टेस्टिंग की वीडियो में गाइस जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तब आगे लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।